लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस स्कीम का पहला फेज 500 घरों पर मुश्तमिल है, जबकि आशियाना 2 में 1500 घर तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 63 साल में गरीब आवाम के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई गई और न ही आम आदमी को इसके ख्वाबों की ताबीर मिली। बाद अजां कलमा चौक फ्लाई ओवर के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आला का कहना था कि मुझे तख्तियाँ लगवाने का शौक नहीं, अवामी फलाह के लिए काम कर रहा हूँ। 4000 रुपए में कमरा किराए पर नहीं मिलता, हम आवाम को 4000 रुपए में घर का मालिक बना रहे हैं। उनका कहना था कि पिछली हुकूमत से जो मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए इनको भी हमने मुकम्मल किया है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि करप्शन हमने नहीं पंजाब बैंक पर डाका डालने वालों ने की। क्या मैं करप्शन को फरोग दे रहा हूँ? क्या मैं अपना जो ठेकों में पैसा जो मिलता है मोबिलाइजेशन फंड वो लेकर लोगों को मैं दुबई भिजवा रहा हूँ कि जाके दुबई में आप जाके अपना प्रॉपर्टी खरीदें? उन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया, अल्लाह ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर सियासी सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। उनका कहना था कि वो गवर्नर पंजाब की किसी बात का जवाब नहीं देंगे।